दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित ज्योतिर्लिंग, मंदिर के ऊपर लगा पंचशूल, मंदिर में स्थापित कामना लिंग, यहां तक कि इस मंदिर में मुरादें मांगने की प्रथा इतनी रहस्यमय है जिसका पता हर सदी में लोग ने अपने अपने तरीकों से लगाने की कोशिश की, परंतु वे सभी नाकामयाब रहे। एक ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना रावण ने की है और इस मंदिर के रहस्य इतने गहरे हैं जिसका पता आज तक कोई भी जान नहीं पाया है। इस मंदिर के रहस्यों को सुनके आपके भी कानों में विश्वास नहीं होगा। आखिर क्या है इस मंदिर के पंचशूल का रहस्य? आखिर क्यों इस ज्योतिर्लिंग को कामनालिंग कहा जाता है? आखिर कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना? और आखिर क्या है इस मंदिर की मुरादें मांगने की प्रथा? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत भारत दर्शन YouTube चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में अवस्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है जिनमें शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है, इस कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम मंदिर भी कहते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है और इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से नौवां ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ धाम देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कामना लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। देवघर में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष यहाँ श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देवघर के वैद्यनाथ मंदिर परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मंदिरों में पंचशूल लगे होते हैं। इसे सुरक्षा कवच भी माना गया है। मंदिरों में लगे सभी पंचशूलों को महाशिवरात्रि से दो दिन पहले उतारे जाते हैं। इसके बाद महाशिवरात्रि से एक दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद फिर पंचशूल को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर माना जाता है कि त्रेता युग में रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। वही एक मत ये भी है कि रावण को पंचशूल यानी सुरक्षा कवच को भेदना आता था, लेकिन ये भगवान राम के वश में भी नहीं था। विभीषण के बताने के बाद ही प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार सावन महीने को भगवान शिव की आराधना का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कांवड़ के जरिए बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। वैद्यनाथ धाम में स्थित शिवलिंग की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प है कि आप भी इस पावन धाम के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कटकर गिरा था। वैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। वैद्यनाथ धाम के बारे में कहा जाता है यहाँ मांगी गयी मनोकामना देर में सही लेकिन पूर्ण जरूर होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण के महीने में यहां कावड़ यात्रा भी की थी। वैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा कही गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है जिसे शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि रात में इसी शिव गंगा में कई बार साक्षात भोलेनाथ ने कई भक्तों को दर्शन दिए हैं। पुजारी का कहना है कि भोलेनाथ आज भी शिव गंगा में अदृश्य रूप में विराजते हैं। माना जाता है कि बाबा वैद्यनाथ धाम में स्थित सभी मंदिरों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में स्थापित किया था। शिव गंगा के आसपास और भी अनेकों अन्य मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों, ये तो थी कुछ रोचक बातें बाबा वैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बाबा वैद्यनाथ धाम में स्थापित पवित्र शिवलिंग से जुड़ी पौराणिक कहानी के बारे में, जो कि बहुत दिलचस्प है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। रावण एक एक करके अपना सिर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने वाला ही था, तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। रावण को सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही साथ उसने कई देवता, यक्ष और ऋषि मुनि को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव भी कैलाश छोड़कर लंका में ही रहे। इसलिए रावण ने भगवान शिव शंकर से कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिवजी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ कि यदि वो इस कामना लिंग को लंका के मार्ग में कहीं रख देगा तो वह वहीं अचल होकर स्थापित हो जाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानन रावण कामना लिंग को अपनी नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि ने अपनी लीला रची और उन्होंने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लंका की ओर चला तो उसे देवघर के पास लघुशंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघुशंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिसे वो शिवलिंग थमाकर लघुशंका कर सके। कुछ देर के बाद ही उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहाँ आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वो शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वो लघुशंका से निर्मित हो सके, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर मत रखना। रावण जब लघुशंका करने लगा तब उसी लघुशंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघुशंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि आप बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघुशंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौट कर आया तो वह अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई और तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। इसी कारण देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग नीचे की ओर दबी हुई है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मानी गई मनोकामना देर से ही पर जरूर पूरी होती है। अगर आपने भी कभी बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में लिखिए। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा निकट कुछ और भी दिव्य मंदिर है जिनका दर्शन आपको अवश्य करना चाहिए। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक बासुकीनाथ में दर्शन नहीं किए जाते। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था, नहीं पुराणों में ऐसा वर्णन है। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहां पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नोनीहाट के घाट से जोड़ा जाता है। बैजू मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में करवाया था। दोस्तों इसके अलावे यदि आप बैद्यनाथ धाम आते हैं तो और क्या क्या आपको दर्शन करना चाहिए। इनमें से एक नौलखा मंदिर है। कहा जाता है कि नौलखा मंदिर की स्थापना प्राचीन समय में कुल 9 लाख रुपए में किया गया था। इस मंदिर में कला आकृति की छवि आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावे आपको त्रिकुट पहाड़ का भी दर्शन करनी चाहिए जो कि अद्भुत है। इसके साथ साथ तपोवन पहाड़, नंदन पहाड़ इत्यादि देवघर के मुख्य पर्यटक स्थल का केंद्र बिंदु है। दोस्तों आपका क्या कहना है? मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा बताए गए शिव गंगा में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन के बारे में अपने सभी विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। दोस्तों यहां तक आने का पूरा पता और भी कई जानकारियां बैद्यनाथ धाम के बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।